हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे पाउडर के बारे में बताऊंगा जो कि आपके पशु में कई बीमारियों में उस पाउडर का प्रयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। उस पाउडर का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो वो सेफ भी है, यानी किसी भी तरह और बड़ी बड़ी बीमारियों के अंतर्गत इस पाउडर का प्रयोग आप अपने पशुओं में कर भी सकते हैं और फील्ड के अंतर्गत प्रैक्टिकल करके भी देखा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट उस पाउडर का मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा उस पाउडर के बारे में, तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। कौन सा ऐसा पाउडर आता है उस पाउडर के बारे में आपको बताऊंगा जिस प्रकार से आपको दिख रहा है ये SPE 15, जो कि एक मेकनोर कंपनी का आता है और इसके अंतर्गत जो साल्ट आते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड है, सेरीटोपेप्टाइड है, नाइसिन है, सिलेमेरियन है एंड एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि आपके पशुओं के लिए क्या काम करता है पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा कि ये SPE 15 पाउडर आपके पशु में क्या काम करता है। कई बड़ी बीमारियों के अंतर्गत आप प्रयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम इस पाउडर का हम ज़्यादातर जो प्रयोग लेते हैं वो लेते हैं यदि आपके पशु में किसी भी तरह का यदि मेस्टाइटिस यानी थनेला रोग हो गया है, चाहे वो एक्यूट स्टेज में हो, क्लिनिकल में हो, सब क्लिनिकल में हो, फाइब्रोसिस यदि आपके पशु में बन गया है, यदि आपके पशु में थन से संबंधित कोई भी बीमारी यदि आपके पशु में हो गई है, जैसे एडर में स्वेलिंग है, टीट में स्वेलिंग है, दूध सही नहीं आ रहा है, छींचड़े आ रहे हैं, या यदि आपके पशु में थन में दूध के साथ खून आ रहा है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस पाउडर का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस पाउडर का देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से फाइब्रोसिस बन जाता है, यानी अडर व टीट बहुत हार्ड बन जाती हैं, जिनको हार लगाने पर भी वो दबती नहीं है, बहुत हार्ड है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस पाउडर का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलता है। देखो इस तरह का ये पाउच आता है जो आपको दिख रहा है, इस तरह का पाउच, ये पाउच आपके पशुओं में जिस प्रकार से, इसी तरह से यदि आपके पशु में खुर में कोई भी दिक्कत हो गई है, खुर में घाव हो गए हैं, या यदि आपके पशुओं के खुर कमज़ोर हो गए हैं, या कई इस प्रकार की बड़ी बीमारियों से यदि आपके पशुओं के खुर में गलना स्टार्ट हो गया है, जिस प्रकार से कई बीमारियां ऐसी प्रकार होती है, डेगनाला डिजीज़ है, FMD डिजीज़ है, या अदर जो डिजीज़ यदि आपके पशु में हो गई है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस तरह के जो पाउडर है, जो ये पाउच आता है, इस पाउच का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। या यदि आपके पशु में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, डर्मेटाइटिस हो गई है, स्किन यदि आपके पशु में ख़राब हो गई है, कई बार यदि आपने पशुओं को देखा होगा कि आपके पशु की जो स्किन है वो गलना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से ख़राब हो जाती है, चकते हो जाते हैं, या लाल लाल हो जाती है, रेड हो जाती है बहुत से पशुओं की, या शरीर के कहीं पर भी यदि आपके पशु में खुर के अलावा भी यदि बॉडी के कहीं पर भी यदि आपको डर्मेटाइटिस से संबंधित फंगल इन्फेक्शन भी यदि आपके पशु में हो जाता है, तो इस पाउडर का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से किसी भी तरह का यदि घाव है, दर्द है, सूजन है, तो भी उसमें हीलिंग प्रोसेसिंग के लिए भी ये बहुत ही अच्छा पाउडर है, उसमें भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कई बार यदि आपने देखा होगा कि आपके पशु में जैसे FMD हो गई, उसके अंदर घाव हो गए हैं, तो घाव के दौरान भी इस पाउडर का प्रयोग करके देखा था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन पशुओं में देखने को मिला था और जल्दी ही घाव भरा था, क्योंकि इसके अंतर्गत पोटेशियम आयोडाइड भी आता है और सेरीटोपेप्टाइड भी है। और यदि आपके पशु में इसी तरह से यदि शरीर पर गांठें बन जाती हैं, शरीर पर देखा होगा कहीं पर यदि गांठें हैं, ट्यूमर बन गई है, या यदि आपने पशु को देखा रात को सही था, सुबह अचानक यदि आपको पशु में देखा तो वहाँ पर गांठें बन चुकी हैं, तो वहाँ पर भी आप इस पाउडर का उपयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस पाउडर का पशुओं में देखने को मिला है। इसी तरह से इस पाउडर का प्रयोग फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिस प्रकार से यदि आपके पशुओं की स्किन पर यदि दाग हैं, दाद हैं, धब्बे हैं, या जो मस्से टाइप के भी यदि आपके पशु में हो जाते हैं, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस पाउडर का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है।
यदि आपके पशुओं के शरीर पर कहीं पर चोट लग गई है, घाव हो गया है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस पाउडर का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन यदि आपके पशु में बार बार होता है, यानी आपके पशुओं की जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो चुकी है, तो आप अपने पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी, यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी आप इस पाउडर का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कई बार ऐसा देखा होगा कि पशु में बार बार यदि मेस्टाइटिस है, थनेला है, या बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन पशुओं को बार बार होता है, तो उससे बचाव के लिए भी आप उस पशु को इस तरह का ये पाउडर आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। देखो, मैंने जितने भी आपको ये डिजीज़ बताई हैं, खुल करके बताई हैं कि इस तरह के यदि आपके पशु में दिक्कत देखने को मिले तो आप ये पाउडर प्रयोग कर सकते हैं। रही बात जो ये पाउच आता है, ये 12.4 ग्राम का एक पाउच आता है, जो कि बड़े पशुओं के लिए, जैसे गाय भैंस है जिनका बॉडी वेट 300 केजी से अबोव है, तो इन्हें आप 12.4 ग्राम पाउडर आप इस पानी में घोल करके या किसी भी जो दाना मिश्रण है उसमें मिला करके भी दे सकते हैं। या यदि आप अपने पशुओं को जो बांट, खल, चूरी यदि कुछ भी यदि खिला रहे हैं तो उसमें भी मिला करके आप अपने पशुओं को ओरली दे सकते हैं। इसी तरह से यदि छोटे हैं, मीडियम साइज़ के यदि पशु में इस प्रकार की दिक्कत हो गई है, तो इसकी हाफ डोज आप उसे दे सकते हैं। और यदि भेड़ बकरियों में भी बहुत इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है, मेस्टाइटिस है, अदर जो डिजीज़ जो मैंने इतनी सभी डिजीज़ बताई हैं, तो आप उन्हें भी आप 3 से 4 ग्राम जो ये पाउडर है ये आप अपने जो भेड़ बकरियों को दे सकते हैं। रही बात ये पाउच पर डे के हिसाब से, एक पाउच बड़े पशुओं के लिए पर डे लगातार 5 पाउच आपको प्रयोग करने हैं, 5 दिन तो आपको ये पाउडर देना ही देना है यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत हो गई है। यदि आप जो इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, यदि आपके पशु में ये बीमारियां हैं जो मैंने बताई है, तो उनके साथ देंगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जल्दी यदि आप अपने पशुओं को रिकवरी लेना चाहते हैं तो इस पाउडर का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात ये प्रेग्नेंट पशुओं को, तो जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनको भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट हैं उनको भी दे सकते हैं। एक और बताना चाहता हूँ कि ये पाउडर नहीं आपके पशुओं का जो दूध देने वाली जो गाय भैंस है उसका दूध डाउन भी नहीं करता है, बट आपके पशुओं की दूध की जो क्वालिटी या क्वांटिटी है उन दोनों की ही ये सुधारता है। और दूध में किसी भी तरह की यदि आपके पशु में दिक्कत हो गई है तो भी आप ये पाउडर अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात इसकी जो 12.4 ग्राम का MRP की, तो ये पाउच आता है 130 रुपये से लेकर के और 140 रुपये के बीच में ये एक पाउच आता है। महंगा ज़रूर आता है लेकिन रिजल्ट आपके पशु में अच्छा देखने को मिलता है। यदि आपको इसी तरह से, यदि आपको अच्छे से जो पाउडर आते हैं उनके बारे में मैं आपको आने वाले समय में इस चैनल पर डिटेल से सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो लेकर के आता हूं, चाहे वो किसी भी कोई भी कंपनी का हो जो मैंने आपको पहले भी बताया। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो जैसे कि आप कमेंट में लिखिए, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ जितना हो सकता आप इस वीडियो को शेयर कर दें, कहीं पर भी मिले आप इस पाउडर को खरीद सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। अदर जो चैनल है उनको भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।